हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रयागराज में तैनात रहे बीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि। षड्यंत्र, शिक्षक के नाम 22 लाख का फर्जी लोन, जाने पूरा मामला। 37 बार स्कूल में हुई चोरी, लेकिन एफआईआर एक बार भी नहीं। प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन। शिक्षा मित्र को वेटेज अंक देने पर निर्णय लेने का आदेश। योगी सरकार एक्शन मोड में, अब जिलों में तैनात अफसरों के शुरू होंगे तबादले, लिया जा रहा फीडबैक। 5वीं व 8वीं की बोर्ड जैसी परीक्षा संभव। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही लागू हो सकती है यह व्यवस्था। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रसिद्धि शिक्षक गिरफ्तार, कोर्ट से भेजा गया जेल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं है यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं प्रयागराज के पूर्व बीएसए संजय कुमार कुशवाहा को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर अनुशासनिक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। संजय इन दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर फतेहपुर जिले में कार्यरत है। प्रयागराज जिले में सह समन्वयक के पद पर चयन संबंधी अनियमितता व अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका पर अंकित अंकों में फेरबदल करने की गंभीर अनियमितता पर शासन ने तत्कालीन बीएसए संजय कुमार कुशवाहा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले की जाँच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल को सौंपी थी। जाँच में बीएसए पर लगे आरोप सही नहीं पाए गए। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एरिया ऑफिस आगरा के विरुद्ध थाना अलीगंज में सहायक अध्यापक अनुज प्रताप सिंह ने तहरीर देकर अभियोग दर्ज कराया है। तहरीर में बताया गया है कि वह सहायक अध्यापक पद पर अलीगंज के प्राथमिक विद्यालय वनी में कार्यरत है। जब अपना ऑनलाइन सिविल स्कोर एंड क्रेडिट रिपोर्ट देखी, जिसमें LIC HSG ने एक लोन अकाउंट नंबर में 22 लाख रुपये हाउसिंग को किया है, जिसका ओनरशिप ज्वाइंट वैल्यू ऑफ कोलेट्रस 30 लाख प्रदर्शित हो रहा है। इंटरनेट की सहायता से LIC HSG से संपर्क किया। आगरा एरिया मैनेजर निशांत गुप्ता ने आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा। 5 अक्टूबर 2021 को मूल अभिलेख सर्विस बुक के साथ पहुंचा। एरिया मैनेजर लोन अकाउंट सिविल रिपोर्ट से हटाने को कहा। एरिया मैनेजर ने बताया, लोन अकाउंट आपका नहीं है, शीघ्र ही हम इसे सिविल रिपोर्ट से हटा देंगे। समाधान न होने पर LIC HSG उच्च स्तर पर शिकायत की। LIC HFL के आदिल ने बताया कि शिकायत नहीं करें, जिन लोगों ने यह लोन लिया है वह जल्द से जल्द इसका भुगतान करने वाले हैं। यह लोन LIC HSG ने किसी अन्य व्यक्ति को दिया है, उन्हीं से किस्तों का भुगतान किया जाना है। पुनः 28 अप्रैल को LIC HSG एरिया ऑफिस में समस्या समाधान हो गया। लोन दस्तावेज दिखाने को कहा, उनके नहीं दिखाए। उनको आशंका है कि एरिया मैनेजर आगरा, उनके सहयोगी आदिल, खुशबू रस्तोगी, मनोरमा जैन, धीरज कमलकांत गुप्ता ने षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर 22 लाख का लोन एरिया ऑफिस आगरा से लिया है। मैनपुरी अनियमितताओं से घिरे प्राथमिक विद्यालय उद्यान नगर में 37 बार चोरी हुई, लेकिन FIR की कार्रवाई एक बार भी पूरी नहीं हुई। कंपोजिट ग्रांट सहित जितनी धनराशि विद्यालय के सौंदर्यीकरण, निर्माण, बिजली, पानी, खेलकूद सामग्री आदि के लिए आई, उन्हें फर्जी बिल बनाकर निकाल लिया गया। तैनात प्रधानाध्यापक को तो यह भी पता नहीं कि दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे किया जाए। 20 मिनट तक दीक्षा ऐप का प्रयोग करने की कोशिश तो की, परंतु असफल ही रहे। सोमवार को प्राथमिक विद्यालय पहुंचे BEO ने यहां की स्थिति देखी तो अचंभित हो गए। पंजीकृत 49 विद्यार्थियों के स्थान पर 8 विद्यार्थी मौजूद थे, जबकि 29 अप्रैल को सिर्फ 5 विद्यार्थी थे। शेष दिनों में औसतन 25 से 35 के बीच फर्जी उपस्थिति दर्ज की जाती है। यहां स्कूल जोड़ो अभियान के दौरान कोई भी हाउस होल्ड सर्वे नहीं किया गया है। यहां एक अभिलेख चोरी का रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें 15 अगस्त 2006 से 26 जनवरी 2022 की अवधि तक 37 बार चोरी होने की तिथिवार विवरण दर्ज मिला। चोरी गए सामान का विवरण था, लेकिन किसी भी चोरी की प्रॉपर FIR दर्ज नहीं कराई गई थी। पहली चोरी 17 मार्च 2008 को, दूसरी 4 जुलाई 2020 को और तीसरी चोरी 8 दिसंबर 2021 को दर्शाई गई थी। प्रधानाध्यापक द्वारा 11 दिसंबर 2021 के बाद शिक्षक डायरी अपडेट ही नहीं की गई, और जो अपडेट थी वह भी पूरी तरह गलत। कक्षा 3 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक को प्रधानाध्यापक 20 मिनट की कोशिश के बाद भी दीक्षा ऐप से नहीं पढ़ा सके। पहली चोरी हो गई, फिर सामान खरीदा, खेलकूद सामग्री क्रय करने के लिए भेजी धनराशि को बैंक से प्रधानाध्यापक ने अपने नाम से आहरण कर सामग्री क्रय नहीं किया। सत्यापन के दौरान पुरानी सामग्री दिखाकर सत्यापन कराने की कोशिश की। प्रधानाध्यापक ने 2020-21 से खेलकूद सामग्री चोरी होने के बाद कही। पंजिका में 22 जून 2020 को चोरी दिखाई गई, जबकि गार्ड फाइल में लगे बिल के अनुसार सामग्री 28 सितंबर 2020 को खरीदी गई। ब्लूटूथ स्पीकर सबमर्सिबल नाम पर भी गबन, खातों में 2 ब्लूटूथ स्पीकर क्रय करने के लिए 2000 रुपये भेजे गए, परंतु यहां सिर्फ एक ही स्पीकर खरीदा गया। TLM निर्माण सामग्री का रुपया भी निकाल लिया और खर्च कर लिया। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हमारे में बंद थे, प्रधानाध्यापक ने ना तो कभी इनका अध्ययन किया ना ही प्रयोग, यहां तक कि उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। सबमर्सिबल पंप की फिटिंग के नाम पर 10,140 रुपये का व्यय दिखाकर धनराशि का गबन कर लिया गया। मेरे द्वारा 18 बिंदुओं की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजी गई है। प्रधानाध्यापक द्वारा लाखों रुपये का गबन किया गया है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुमित कुमार, BEO मैनपुरी।
एमडीएम के नाम भी खूब खाया पैसा। निरीक्षण में बीईओ को यहाँ भी घोटाला दिखा। एमडीएम में रोटी सब्जी बनी थी लेकिन फल गायब थे। बीती 15 मार्च को निरीक्षण में एमडीएम 14 फरवरी से बंद मिला था, तब भी केवल 5 बच्चे मौजूद थे। जब एमडीएम न बनने के कारण पूछा था, प्रधानाध्यापक ने बताया कि सभी बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि चोरी हो गए हैं। 16 मार्च को उन्होंने कंपोजिट ग्रांट से बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि खरीदने के निर्देश दिए लेकिन नहीं खरीदे गए। 29 अप्रैल को जब पुनः निरीक्षण किया तब भी एमडीएम बंद मिला। इसके बाद उन्होंने अपने पास से 5,000 रुपये दिए और तत्काल बाजार से सामग्री क्रय करवाई। लखनऊ प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने में नया रिकॉर्ड बन रहा है। 30 अप्रैल तक चले स्कूल चलो अभियान के दौरान पिछले विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश देने का दावा किया गया है। अब तक 1,90,00,000 छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल चुका है। वैसे 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य अभी दूर है। बेसिक शिक्षा विभाग 4 मई को बैठक कर रहा है। इसमें अभियान निरंतर चलाए जाने पर मुहर लगाना तय माना जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल को सरस्वती में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पहली बार विभाग को छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य तय किया। ज्ञात हो कि इसके पहले हर वर्ष प्रवेश का अभियान चलता था लेकिन लक्ष्य तय करने की जगह अधिकाधिक प्रवेश पर जोर दिया जाता था। विभाग ने तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाने का आदेश दिया। शिक्षा मित्र को बेटे जन्म देने पर निर्णय लेने का आदेश। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का वेटेज दिए जाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिका प्रस्तुत प्रत्यावेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित आनंद कुमार यादव केस के आलोक में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने इंदिरा भारती की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिका के अधिवक्ता का तर्क था कि याचिका शिक्षा मित्र थी, उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के लिए आवेदन किया था। योगी सरकार 2.0 कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार या लापरवाही पर कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही अफसरों की क्षमता के अनुसार शासन स्तर पर कई फेरबदल किए गए हैं। अब जल्द ही जिलों में तबादला एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। माना जा रहा है कि अब तक मेरी रिपोर्ट के अलावा मंडलों के प्रभारी के रूप में मंत्री जिलों का जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर भी अफसरों को फील्ड में नई तैनाती दी जाएगी। योगी सरकार की मंशा है कि शासन के सभी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आमजन को मिले। शिकायतों समस्याओं के निस्तारण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास जोर है। वह स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि अधिकारी जिन शिकायतों के प्रति गंभीर रहें। दूर दराज क्षेत्रों से जनता को जनता दरबार में बेवजह न आना पड़े, इसके बावजूद तमाम मामले लापरवाही के सामने आए हैं जिन पर हाल ही में कार्रवाई भी की गई है। बड़े पैमाने पर जिलों में तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। दरअसल 18 मंडलों में मंत्रियों की अध्यक्षता में टीमें लगाई गई हैं। अधिकारियों के साथ जाकर मंत्री एक ही जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाओं को देख परख रहे हैं। वह जो भी समस्या और समाधान की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे उसके आधार पर प्रत्येक जिले के विकास की कार्ययोजना बनाई जानी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मॉडल प्लान नाम दिया गया है। 5वीं व 8वीं की बोर्ड जैसी परीक्षा संभव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही लागू हो सकती है। व्यवस्था स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित छात्रों की प्रतिभा को प्रत्येक स्तर पर आंकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। इसके तहत 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं भी 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं जैसे आयोजित की जा सकती हैं। फिलहाल यह बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि उसकी जैसी होगी। इनका आयोजन भी क्षेत्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त प्राधिकरण की देखरेख में होगा। केंद्र राज्यों के साथ व्यापक चर्चा शुरू कर चुका है। कई राज्यों में पहले ही 5वीं व 8वीं के स्तर पर ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती थीं। हालांकि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE कानून आने के बाद यह व्यवस्थाएं बंद हो गई क्योंकि इस कानून के तहत 8वीं तक किसी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता है। इस बीच कई राज्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को फिर से शुरू करने की पहल की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे शुरू भी कर दिया है लेकिन 3री के स्तर पर अब तक इसे कहीं नहीं अपनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने की इस पहल के तहत नए कदम की तैयारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे लेकर सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में छात्रों को रटकर याद कराने के बजाय उन्हें वास्तविक ज्ञान दिया जाए, साथ ही उन्हें कौशल विकास से भी जोड़ा जाए। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय अब निचले स्तर पर एक मानक तय करना चाहता है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम की तैयारी में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की राज्यों के साथ व्यापक चर्चा। इससे छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को ट्रैक किया जा सकेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू हो सकती है व्यवस्था। शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पर अंतिम फैसला राज्यों की सहमति के बाद होगा। योजना के तहत स्कूली स्तर पर होने वाली वार्षिक परीक्षा परीक्षा की तरह होगी लेकिन इसका आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर होगा। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रसिद्ध शिक्षक गिरफ्तार, कोर्ट से भेजा गया जेल। कानपुर देहात मुसानगर क्षेत्र के गाँव के प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 7 की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र की गांव निवासी छात्रा वहीं के प्रसिद्ध विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ती है। छात्रा के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि फतेहपुर थाना हर गांव के शिवलाहा निवासी राजेंद्र कुमार गांव के प्रसिद्ध विद्यालय में शिक्षक है। 28 अप्रैल को पुत्री स्कूल गई थी, इसी दिन शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। घर आकर पुत्री ने आपबीती बताई। थाना अध्यक्ष महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद
उसे जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।